पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि परवेज इलाही ने कुर्बानियां दे के तहरीक इंसाफ में अपनी जगह बनाई है। पीटीआई में सिर्फ उसकी जगह है जो इमरान खान के नजरियात पर डट के खड़ा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमरीका की रियासत न्यू जर्सी में पीटीआई यूएसए के भरपूर जलसे से खिताब करते हुए किया। पीटीआई के मरकजी रहनुमा अब्दुल्ला रयार, पीटीआई यूएसए के साबिक सदर मनीर खटाना, पीटीआई यूएसए के साबिक सेक्रेटरी सैम खान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सुनिए सुनिए, ये लीडर होता है। बहुत से लोग ऐसे आए जो शेरी थे, छोड़े आप परवेज अलाही की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग आए थे लेकिन वो आए नजरिए पे है। परवेज अलाही ने पहले इमरान खान के साथ वो डट के खड़े हुए, जो कहा वो किया, फिर जो जो भी आया पार्टी में वो पाकिस्तान तरीके साहब के नजरिए है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अगर वो उस नजरिए से हट के भी कामयाब होगा, क्योंकि मुखालिफ काम करता है, वो पार्टी छोड़ देता है, तो फिर उसका क्या हाल होता है, इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। अब्दुल्ला रयार और मुनीर खटाना समेत मुख्तलिफ मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, हकीकत, ईमानदारी, पाकिस्तान की फलाह और बहबूद और पाकिस्तान के डाउन ट्रेडन क्लास को अपलिफ्ट करने की जिद्दोजहद, ये एक काविश है, एक जिद्दोजहद मुसलसल है जिसका आगाज खान साहब ने बहुत पहले से किया। मुल्क का सत्यानाश किया है, इन लोगों ने लाकानूनियत की है, इन्होंने विदाना रिपब्लिक बना दिया इस मुल्क को, इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसका बुरा हाल कर दिया है, और इससे बढ़कर जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने चलते किया, और इतने अजीम लीडर को जिसे दुनिया जानती है, और मुस्लिम उम्मा का वो अजीम लीडर है इमरान खान, जिसे सारी दुनिया जानती है, उस हू स्टैंड बिहाइंड यू फॉर द नेम ऑफ पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट पीटीआई फॉर वन सेकंड, दीज पीपल हियर दे लव पाकिस्तान, they running for pakistan, they fighting for pakistan, they there for pakistan, yeah. So many of us, we don't even go to pakistan, but our heart worries what's going on in pakistan today, that's why we are here, that every single person in this room, they love pakistan, even the people in pakistan we more love more than them. tehreek ne is tabdili ki, is tehreek ne और इमरान खान की शख्सियत ने पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया है। इतनी बड़ी लोगों की सोच में तब्दीली सिर्फ इमरान खान ही ला सकता है। ये दरखास्त है, हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, ये अदारे हमारे हैं, लेकिन जो लोग इसके किसी भी अदारे में कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, तो हम हमारा ये फर्ज है कि बांगे दहल उसकी निशानदेही करें, जो कि हम करते हैं, और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। पर हमने वही रिपीट करना है, लेकिन आजकल जो खां का चल रहा है ना, और आखिरी राउंड हम सब उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, उसको जिस चीज की भी जरूरत हो, हम ओवरसीयर्स जितने भी हैं उसकी सपोर्ट करें, पीटीआई का साथ दें, क्योंकि उस वक्त अब उनको जरूरत है हमारी। जो कहते थे खान साहब इनको बड़ा होने दो, बड़े आके इन्होंने कोई अच्छे काम के लिए आज अच्छे काम के लिए, वो बहुत जल्द वक्त आ रहा है कि हम आजाद होंगे, अपने मुल्क में हम आजाद होंगे। इमरान खान ने हम लोगों को नजरिया दिया, उस नजरिए की सपोर्ट करने के लिए हम लोगों में इत्तेफाक पैदा हुआ, हम लोगों में एक दूसरे के साथ रवाबत पैदा हुए, तो इनको फॉलो किया, और अल्लाह के फजल से आपकी जितनी रैलियां निकलती हैं, जितने जलसे होते हैं, हम फ्रंट लाइन पे होते हैं। हकीकी आजादी मतलब इमरान खान, हकीकी आजादी का नाम इमरान खान के अलावा किसी ने नहीं लिया। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि वो अमेरिका के दौरे पे इमरान खान की हिदायत पे हैं। उन्होंने सैम खान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्तसर वक्त में इतने बड़े जलसे आम का एहतमाम किया। मौबिदा सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, न्यू जर्सी।